देख रहे हैं ना आप, एक सन्यासी सीएम के राज में बिछाई गई चुनावी बिसात पर दुशासन का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और सरेआम चिरहरण की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। ताजा घटनाक्रम के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए चल रहे नामांकन के अंतिम दिन लखीमपुर खीरी में एक शर्मनाक घटना सामने आई। जिले के पसकवां ब्लॉक में सपा प्रत्याशी रितु सिंह का नामांकन भाजपा प्रत्याशियों ने नहीं होने दिया। इतना ही नहीं, ब्लॉक में दाखिल हो रही सपा प्रत्याशी की प्रस्तावक के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की और सरेआम चिरहरण का प्रयास किया। इस घटना के सामने आने के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा प्रहार किया। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले से जुड़ा एक वीडियो ट्वीट करते हुए योगी और मोदी सरकार पर हमला बोला। चलो उठाएं का लेके जाओ। प्रियंका ने अपने ट्वीट में सीएम और पीएम से चार सवाल भी किए। पहला सवाल, कितनी जगह बमबारी, गोलीबारी और पत्थरबाजी की? दूसरा सवाल, कितने लोगों का पर्चा लूटा? तीसरा सवाल, कितने पत्रकारों को पीटा? और चौथा सवाल, कितनी जगह महिलाओं से बदतमीजी की? कानून व्यवस्था की आंख पर पट्टी बांधकर लोकतंत्र का चिरहरण चल रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी लखीमपुर की घटना को लेकर योगी सरकार पर हमला बोलते हुए घटना का वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा नारी का अपमान करने पर तुली हुई है। अखिलेश ने वीडियो में शामिल लोगों को योगी के गुंडे कहकर संबोधित किया है। सपा का आरोप है कि आरओ के सामने अंदर घुसे भाजपाई सपा प्रत्याशियों का पर्चा छीन ले गए और फाड़ दिया। प्रत्याशी को पीटा भी गया, उसके कपड़े फट गए। यह सब पुलिस के सामने हुआ। लखीमपुर खीरी के अलावा अन्य जिलों में भी बवाल की खबर है। सीतापुर, अंबेडकर नगर, मऊ, जौनपुर और फतेहपुर जिलों में भी भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर संग्राम हुआ। सीतापुर में तो कई राउंड की फायरिंग हुई। खास बात यह है कि यह सब तब हो रहा है जब कोर्ट ने सरकार को आदेश दे रखा है कि वह चुनावी प्रक्रिया पूरी करने और प्रत्याशियों को सुरक्षा देना सुनिश्चित कराए। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।